निवेदिता, पश्चिम बंगाल में चुनाव कोई भी हो, वो चुनाव ममता सरकार में शांति से हो जाए, इसके आसार कम ही रहते हैं। 2019 के आम चुनाव के दौरान किस तरह से खुलेआम बमबाजी की गई, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को रैली के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ा, केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो की गाड़ी पर हमला किया गया, ऐसी कई वारदातें हुई जिसकी वजह से बंगाल में कई चरणों में चुनाव कराने पड़े। आम चुनाव की तरह ही सोमवार को उपचुनाव के दौरान भी जमकर उपद्रव देखने को मिला। दीदी के बंगाल में खुलेआम बीजेपी प्रत्याशी को लात घूसों से पीटा गया। इस हिंसा को लेकर कवि कुमार विश्वास ने सीएम ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा, ईना चोलबे दीदी। दरअसल सोमवार को पश्चिम बंगाल की करीमपुर सीट पर उपचुनाव था, जिसे लेकर काफी गहमा गहमी थी। इसी दौरान विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जॉय प्रकाश मजूमदार के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। कुछ लोगों ने जयप्रकाश के साथ मारपीट करते हुए उन्हें झाड़ियों तक खदेड़ दिया। एक शख्स ने मजूमदार पर लात से हमला किया। ये वीडियो पोस्ट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवधर ने लिखा, करीमपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार जॉय प्रकाश मजूमदार को टीएमसी के गुंडों ने घसीटा, धक्का दिया। टीएमसी की गुंडागर्दी और अराजकता के कारण बंगाल में लोकतंत्र अस्तित्वहीन है। हमारे बहादुर कार्यकर्ता उनके कायरतापूर्ण हमलों के आगे नहीं झुकेंगे। मारपीट की इस वीडियो पर कवि कुमार विश्वास ने सीएम ममता बनर्जी को टैग करते हुए लिखा, ममता दीदी क्या है ये सब, इतने साल ऐसी ही वामपंथी गुंडई से लड़कर आप सत्ता में आई और सत्ता पाकर खुद भी वैसी ही हो गयी, ईना चोलबे दीदी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने लिखा, मैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और करीमपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार जॉय प्रकाश मजूमदार पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से इस उपचुनाव को जीतने के लिए शारीरिक हमले की कड़ी निंदा करता हूं। ट्विटर यूजर ऋषि सिंह ने लिखा, विपक्षी पार्टियों को पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र की हत्या होती हुई नहीं दिखेगी और न ही कोई पार्टी इसके खिलाफ कोई टिप्पणी करेगी, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। दिल्ली में संसद भवन के सामने लोकतंत्र की दुहाई देने वालों के लिए शायद ये आम घटना है। ट्विटर यूजर आर के राज ने लिखा, ये अगर बीजेपी शासित राज्य में होता तो तथा कथित लिबरल पत्रकार और न्यूज पोर्टल और चैनल द्वारा तो लोकतंत्र खतरे में आ गया होता, पर ये तो लिबरल गैंग की दीदी के राज्य में हो रहा है, इसलिए सबके मुंह में लकवा मार दिया है। बंगाल बीजेपी नेता मुकुल रॉय ने चुनाव आयोग से इस घटना को लेकर तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने आयोग को लिखे पत्र में कहा, टीएमसी के 50 गुंडों ने बीजेपी के जॉय प्रकाश मजूमदार को घेरा, लात घूसे मारे और धक्का मुक्की भी की। हम इलाके के एडिशनल एसपी और एसपी को तुरंत हटाने की मांग करते हैं। जिस करीमपुर विधानसभा सीट से मारपीट की घटना सामने आई है, इस सीट पर साल 2016 में टीएमसी की महुआ मोइत्रा विधायक थी। 2019 के आम चुनाव में महुआ मोइत्रा कृष्णा नगर सीट से सांसद बन गयी, जिसके बाद इस सीट पर सोमवार को उपचुनाव कराए गए। करीमपुर विधानसभा सीट पर 9 बार वामपंथी दलों का, 4 बार कांग्रेस का कब्जा रहा, जबकि एक बार टीएमसी, किसान मजदूर पार्टी, बांग्ला कांग्रेस एक बार इस सीट पर जीत हासिल कर चुकी है।